हेलो गाइस, मैश दिस इज आशु और आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं जुनेजो भाई के एक व्लॉग पे 96 आवर्स इन टर्की तुर्की हिंदी तो तुर्की बोलते हैं ना तुर्की बोलते हैं तुर्क इंग्लिश में होता है तुर्क तुर्क चलिए सुनते हैं सॉरी This is 96 hours in Turkey. अगर तुम्हारे पास टर्की में 96 hours हो, तो तुम क्या करो? मैं बताता हूँ मैं क्या कर, I mean हम क्या करेंगे? हमजा भी है मेरे. Travelog 2.0. हमजा जो फ्यूरर. Step one, look late. Step two, फ्यूरर के साथ swag is permanent वाला late. सारे कपड़े कौन से हैं? सब ले ले सब. इनके ये वो देखा था मैंने stories and stuff में. टर्की की सबसे पहली फ्लाइट बुक करो और दोस्त बाद में विंडो सीट पहले क्योंकि बादल कसम से भाई कसम हमेशा वो फ्लाइट ले अजी उसकी लाइन है ना बादल इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ इट्स ऑलवेज जी क्या है क्या नाम था उसका और नॉट आई मीन आई डोंट माइंड अपना सख्त लौंडा अपना सख्त लौंडा अपना एक घंटा और दूर है होटल हमेशा बी ऑल से मेट्रो स्टेशन और टोपाने ट्राम स्टेशन के पास जरूरी है बिकॉज इस्तांबुल हैज वन ऑफ द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स इन द वर्ल्ड अगर आप फिर भी टैक्सी यूज कर रहे हैं तो आप कर लें मर्जी ज्यादा अमीर है भाई आप पे इधर जाना है या इधर जाना है भाई थोड़ा टोपाने ट्राम स्टेशन से ट्राम लेके पहुंचे सुल्तान अहमद पांच स्टॉप डायरेक्ट यूज कर रहा है सुल्तान अहमद स्वैग देख रहा हूँ भाई इरफान भाई से ज़्यादा इनका स्वैग है धीरे बोलो इरफान ब्लू मॉस ये है ब्लू मॉस नए दिन नए कपड़े और नई जगह और वही अपना पुराना दोस्त नए कपड़े नई जगह पुराना दोस्त वेलकम चश्मा वाला परेशान कर रहा है मैं यहाँ तीन बार आ चुका हूँ लेकिन हर दफा ये जगह उतनी ही खूबसूरत लगती है अगर आप यहाँ आए तो टूरिस्ट का ख्याल कीजिए क्योंकि यहाँ दुनिया भर से हर मज़हब हर मुल्क के लोग आते हैं और हाँ किसी की तस्वीर फोटो बॉम मत करना और अब यहाँ आ ही गए हो तो बताओ कभी 125 रुपए का भुट्टा खाया है भुट्टा ही खा रहा भाई मैं 125 रुपए का भुट्टा हो गया महंगाई लेकिन हम ये डबल रोटी पे नुटेला लगा के खा रहे हैं डबल रोटी सीमेंट सीमेंट डबल सिमित खाने के बाद जाओ टॉप कॉपी पैलेस द हेडक्वार्टर्स ऑफ ऑटोमन एम्पायर यार देखो जरूरी तो है लेकिन टॉप कॉपी में मेन जगह पे शूट करने नहीं देते फोन से भी नहीं करने देते मर्जी है सिक्योरिटी रीजन और फिर 60 लीरास दे के आया सोफिया 1500 साल पुराना ये स्ट्रक्चर पहले बाइजेंटाइन कैथेड्रल था फिर कैथोलिक कैथेड्रल फिर ऑर्थोडॉक्स कैथेड्रल फिर मस्जिद और अब ये म्यूजियम है और इस्तांबुल आए और आया सोफिया नहीं गए तो इस्तांबुल आए क्यों ये बताओ वापस पकड़ो ट्राम सुल्तान अहमद से ग्रैंड बाजार अगर आपको किसी के लिए गिफ्ट लेना है लेकिन आपका दिल नहीं है गिफ्ट लेने का तो आप उनके लिए यहाँ से गिफ्ट ले सकते हैं तो मुझे भाई आपको क्या चाहिए जो आपने मंगाया था वो हम सॉरी ला नहीं सकते लेकिन हम देखेंगे आपके लिए फुल बंबू चीज लाएंगे बंबू चीज तो बस फिर ग्रैंड बाजार से निकलो और पहुंचो गलाटा ब्रिज वैसे गलाटा ब्रिज आना जरूरी नहीं है लेकिन अगर आपको तस्वीरें खींचनी है लाइक्स वाइक्स चाहिए तो बेस्ट जगह और आप गलाटा ब्रिज पे मछलियाँ भी पकड़ सकते हैं इफ दैट समथिंग यू आर इनटू या फिर हीरो लग सकते हैं इफ दैट समथिंग यू कैन पुल ऑफ देख लें इसे पता है कि इसके कैमरे पे जूम लेंस लगी और इसके कैमरे पे माइक भी नहीं है लेकिन आप एक्सप्रेशंस देखें व्हाट अ नेचुरल एक्टर कॉन्फिडेंस जला कर गलाटा ब्रिज से जाओ एमिनोनू स्टेशन और फेरी पकड़ के पहुंचो उस्कुदार व्हिच इज इन एशिया जस्ट लाइक हाफ ऑफ इस्तांबुल आपको टर्की दिखाते दिखाते बारिश हो गई है और सर्दी पड़ गई है लेकिन आपका ऋतिक रोशन आया हमेशा पड़े हमेशा पड़े तो होना प्यार है भाई अब्बा खेल गया भाई तो या तो यू कैन टेक दिस फेरी और हैव डिनर ऑन बॉस्फोरस क्रूज योर कॉल
यार खुद डिसाइड कर लो ये ज्यादा अच्छा लग रहा है या रात को बेली डांस देखना है। बेली डांस देखना है। दो लौंडे बेली डांस देखना है। याद आ रही थी और फिर उसको दार से मरमरा एक्सप्रेस पकड़ के वापस एमिनोनो यूरोप की तरफ। हम लोग उसको दार आ गए और उसको दार से वापस एमिनोनो जा रहे हैं। उसको दार आए थे ऊपर से, अब जाएंगे नीचे से, बस मरमरा एक्सप्रेस आ जाए। और इफ यू प्लान इट राइट तो गलाटा टार तुम्हारे होटल के रास्ते में ही पड़ेगा, तो वो भी देख लो। ये गलाटा टावर है, अगर आपको ऊपर जाके देखना है तो देख लो, वरना मैं दिखा देता हूँ। मैं कब काम आऊँ? टावर है, टावर है, टावर है, टावर है। दो किलो टावर है, दो रुपए के तीन। ब्यूटी है, काफी पुरानी वो है ना यार, पुराने सिटी से। ये आप देख लीजिएगा गलाटा टावर पे जाके भाई, ये लोग ना कुत्ता बना देखो और गलाटा टावर दिखाते हैं, उसकी फोटो दिखा रहे हैं। देख लीजिएगा आप जाके। वो पीछे ब्लू मास भी है। थोड़ी सी नैप लेने के बाद और डिनर करने के बाद हमजा को तकसीम स्क्वायर दिखाना है और इस्तेक्लाल स्ट्रीट दिखानी है। ये हमारे प्लान में था कि हम तकसीम स्क्वायर आएंगे, ये हमारे प्लान में बिल्कुल भी नहीं था कि बारिश हो रही होगी, हाथ अकड़ जाएंगे और स्टाइल भी जरूरी है। सवैग सर्दी लगेगी लेकिन स्लीव्स ऊपर होंगे। अरे ये तो भाई वोकल कम तो है ही। इधर सारे पैसे वाइब के हैं। मैं तो हर दिसंबर डर के आता हूँ भाई, मुझे सर्दी अब कम लगती है, लेकिन हमारे लड़के ने इंतजाम कर लिया अपना। मैंने इसलिए बना था कि फैंस ना नोट कर ले। अरे ये बहुत फेमस है यार टर्किश आइसक्रीम, और वहाँ तुम अपना आइसक्रीम छिनवाने का शौक भी पूरा कर सकते हो। एक दिन हो गया। दया पता लगाओ, पूरे इस्तांबुल में सबसे ज्यादा सर्दी की तरह मुझे बीमार होना है। मुझे बीमार होना है। बगल में हीटर लगा होगा। सुबह सवेरे निकलो बुरसा के लिए, पहले खाओ पेट भर के खाना और फिर -12 डिग्री की हवा। मैं और हमजा जा रहे हैं भाई अपनी स्नो मोबाइल पे। हमजा भाई तो पैक है, मैं वापस आऊँ ना नहीं आऊँ पता नहीं। अम्मी आई लव यू। लव यू टू नहीं बोला यार। हम लोगों ने स्नो मोबाइल कर ली, बड़ा मजा आया। लेकिन कभी आपने ठंडी में ठंडी मारी है? हमने वो भी मारी है ठंडी में ठंडी। गलती हो गई, ज़बान टूट गई, मैंने बोला मुझे बुरसा जाना है। गलती हो गई, मुझे वापस ले चलो, धोखा हो गया ये हमसे। छोड़ो भाई, तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट सलामत रहे, जैसे मैं हमजा से माइक टेस्ट करवा रहा हूँ। अगर थोड़ा सा भी नकली छोटे बगल में मत आना, इधर पंटरी पंटर है, पंटरी पंटर। और अगली सुबह जाओ डेनिस ली, अकेले जाके क्या करोगे, एक दोस्त भी साथ उठा लेना, और दोस्त का भी दिल है और हर दिल में विंडो सीट की चाहत। जब पहले बैठ गया उसकी हो गई। डेनिस ली से जाओ बाय रोड पामुकाले, नाम थोड़ा मुश्किल है आई नो, आदत हो जाएगी। हम लोग पामुकाले आ गए हैं, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था यहाँ भी 0 डिग्री होगा इस्तांबुल की तरह। अभी हमें जाना है पामुकाले देखने के लिए, हमारे भाई तैयार हैं, तुर्की बादशाह बन गए। आपका आज का टूर गाइड हमजा इब्राहिम आपकी खिदमत में हाजिर है, और हम लोग अभी आए हैं पामुकाले, आर फर्स्ट डेस्टिनेशन, जहाँ पर हम आपको दिखाएंगे मेरी मर्जी मेरी पामुकाले। मैं अकेला नहीं हूँ, ये दो लोग भी हैं, इरफान जुनेजो, ये दोनों एक दूसरे से जो बात कर रहे हैं उसको समझ आ रहा है, इसको समझ आ रहा है, पर सुनकर अच्छा लग रहा है। पामुकाले में सबसे पहले भाई ये तो अजीब है, और सीन अच्छा हॉट वाटर स्ट्रीम, यहाँ पानी गर्म, कहीं कहीं बहुत ज्यादा गर्म, लेकिन भाई आपको इंग्लिश में समझाएंगे। नो लेग्स, नो लेग्स, इफ यू वांट लेग्स यू कैन स्टे हियर, नो लेग्स, गो देयर, ही सेड नो लेग्स। हमारे प्रोवाइडर ने बताया कि ये हीलिंग के लिए बहुत अच्छा, अगर आपके अंदरूनी कोई मसाइल है ना तो आप ये पियेंगे फ्रेश हो जाएंगे। आयरन कुछ है, कुछ आयरन है, मरकरी ना।
और कुदरती शक्ति वाला पानी पीने के बाद जाओ हियरा पुलिस, कुदरती हियरा पुलिस पुराने शहर के खंडरात, जिसकी वजह से पामुकले आज भी मशहूर है। ये 2000 साल पुराना एम्फी थिएटर है और जस्ट इमेजिन कि 2000 साल पहले भी आर्ट्स और कल्चर को इतना प्रमोट किया जाता था। पूरी बिल्डिंग बनाई है सिर्फ इसलिए कि वहां से देखा है किसी मूवी में से इसके हाथ में कैमरा हो, इस टाइप के है ना, बहुत फन है। आया था जरूर तरक्की सेट्स होगा, कैमरा घुमाए और यहां पे सब लोग बोल रहे हो अरे तुमने उसमें देखा होगा यार, दिल धड़कने दो। और इस एम्फी थिएटर में लोग क्रूज उनका यहां करके आता है, ब्लू पूल्स जो आपको पामुकले की हर गूगल सर्च में जरूर देखा था एक बार, तुमने कोलोसियम देखा होगा। नहीं नहीं यही था। बस में पैकिंग करो और ओवरनाइट बस लेके जाओ कैपेडोकिया, द केव सिटी ऑफ टर्की एंड द लास्ट सिटी इन आवर 4-डे ट्रिप। थैंक यू फ्यूरर फॉर मेकिंग दिस ट्रिप एंड मेकिंग दिस वीडियो पॉसिबल। 4 दिन में टर्की दिखाना वाज डिफिकल्ट बट वी ट्राइड आवर बेस्ट। थैंक यू। ओके क्रैश में लिखा है। सो सीन्स कुछ ऐसे हैं कि आई बीन टू टर्की थ्राइस नाउ एंड इस्तांबुल इज वन ऑफ माय फेवरेट सिटीज इन द वर्ल्ड, तो जरूरी नहीं है लेकिन दोबारा आने में कोई हर्ज भी नहीं है। जीवे पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान। गजब आ रही थी जीवे पाकिस्तान, जीए जीए पाकिस्तान हो सकता है, एक्सेंट नो समझ नहीं आ रहा था। हाँ वही वो उधर टर्किश एक्सेंट नो। भाई हमेशा की तरह उनका व्लॉग की क्या ही तारीफ करो, मतलब सार्काज्म और जब इन फ्रेंड्स के साथ होते हैं तो यार काफ़ी और कंफर्टेबल लगते हैं ये। अभी तक इंडिया पाकिस्तान के अंदर चल रहा था, पाकिस्तान के बाहर भी घूम रहे हैं और व्लॉगिंग कर रहे हैं, मतलब टर्की घूम लिया हम लोग, टर्की घूम लिया। इसके पहले दुबई गए थे पीएसएल के चक्कर में, तो उन्होंने थोड़ा बहुत व्लॉग देखा था। दुबई तो जाने के लिए उनके पास रीजन था पीएसएल, पर यहां पे वो व्लॉग अपना खुद स्पेशली, हां स्पेशली घूम रहे हैं कि वो अपना बढ़ा रहे लिमिट्स अपनी। भाई भाई माइनस इन्फिनिटी से इंटरनेशनल हो रहे हैं जो मेरे भाई, और क्या बस थोड़ा हिंदी से इंग्लिश आनी है, चेंज करना है। क्या करना है? हिंदी से इंग्लिश, ताकि इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश ही ना देखे, ऑल ओवर वर्ल्ड में लोग दिख सके। लैंग्वेज चेंज यार। नहीं बट वो इसलिए नहीं कर सकते ना, क्योंकि बात ये है कि उनकी ऑडियंस जो है मेजोरिटी, क्या कहते हैं, हाँ बहुत सारे लोग समझ सकते हैं, मतलब मेजोरिटी ऑफ लोग समझ सकते हैं कि वो हिंदी में क्या बोल रहे हैं या फिर इंग्लिश में, इंग्लिश बोलेंगे तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी मेजोरिटी लोगों को, लेकिन बहुत सारे फैंस जो डिपेंडेंट हैं, करियर अगर आगे बढ़ाना है तो ये चीज थोड़ा सा चेंजेस कहते हैं ना लाने पड़ेंगे। वैसे उनका फॉलोअर बेस बहुत अच्छा है, मतलब बहुत लॉयल वो हैं, और खैर उन्होंने वही कमाई भी है क्योंकि उन्होंने जिस तरीके का उनका बिहेवियर रहा है, जिस तरीके से वो इतने हम्बल उसमें रहे, हमेशा ग्राउंडेड मैंने देखा है। मतलब मैं इंस्टा स्टोरीज पे देखता हूँ वगैरह वगैरह, तो उनसे एक भले मैं उनसे बात नहीं करता, कुछ नहीं, मेरा कॉन्टैक्ट नहीं है उनसे, लेकिन अगर जितना मैंने स्टोरीज में उनको जज किया है उतना मुझे ये लगा है कि वो जिस सही में बहुत नेचुरल है, बहुत बहुत हम्बल है। नहीं एक अंदर से तो आता है ना यार, जज कोई नहीं करता, पर एक बार तुम किसी भिखारी को तुम लात मार दो, तुम भले कितने भी जज ही ना हो, लेकिन तुम तो कहोगे ना बहुत हरामी इंसान है, ये बस इतनी जजमेंट होती है। देखो भिखारी को लात मार रहे हैं। नहीं नहीं बता रहा हूँ, अमीर को लात मार दो, अमीर को लात मार दो तो तुम तो, नहीं भाई तुम जज तो करोगे ना, तुम चाहे अमीर को लात मारे चाहे गरीब को लात मारे, तुम बस वही बता रहे थे, मैं जज नहीं करता, तुम तो दिल पे ले गए। नहीं जज हर कोई करता है, हम कहा के नहीं करता, याद कौन रखता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपको पता है यहाँ पे आप रोड रोड़ाई चाहे कुछ भी करिए, मोस्टली एरियाज रिस्ट्रिक्टेड, आपको ज्यादा मालूम होता है, आपकी अपनी खुद की कंट्री के बारे में फैमिलियर होते हो, पर जब आप बाहर होते हो तो सबसे बड़ा रिस्ट्रिक्शन सबसे ज्यादा आपके ऊपर बढ़ जाते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से बाहरी कंट्रीज में ड्रोन अभी भी उतना वो नहीं हुआ है कि अलाउड नहीं करते हैं आपको हर जगह। एक्चुअली सिक्योरिटी पर्पस के लिए इंडिया में भी बैन हुआ था ड्रोन एक दो साल, नहीं अब हट गया, बैन हट गया, अब आप परमिशन लेके आप कर सकते हो, पहले परमिशन भी नहीं थी, पहले परमिशन भी नहीं थी, अभी सिर्फ डिफेंस फुल बैन हो गया रखा है बस, क्योंकि अगर दिख भी गया तो फिर हां डिफेंस हो रही है और ऑफिस ऑब्वियसली वहां तो नहीं कर सकते, कॉपीराइट है उनका भाई, बट यहां पे तो ये सारी चीजें। लेकिन बात दरअसल ये भी होती है ना कि तुम पाकिस्तान में कर रहे हो, तुमको लोगों के बारे में पता होता है कि एक आदमी कैसा रिएक्ट करता है, सिक्योरिटी वाला कैसा रिएक्ट करेगा, पुलिस वाला कैसा रिएक्ट करेगा, उनको कैसे मनाया जा सकता है, लेकिन बाहर के तुम लोगों को नहीं जानते। लेकिन मैं बोल रहा हूँ ना कि अभी ये था कि इनका थर्ड टाइम था, दो बार ये जा चुके हैं तो ऑब्वियसली फैमिलियर थे, मैं चाह रहा हूँ कि एक बार ये फर्स्ट टाइम जाए तो थोड़ा सा और इनके लिए नई चैलेंजेस आएंगे जो इन्हें फेस करना पड़ेगा, और वो फिर देखने लाइक वीडियोस होंगी। और इस वीडियो में भाई वैसे देखा तो है मैंने कि इनके में कभी ये अपने चैलेंजेस नहीं दिखाते, ये हमेशा ये दिखाते हैं जैसे सब कुछ बहुत
स्मूथली गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कई ब्लॉग्स देखोगे वो थोड़ा सा ब्लूपर्स टाइप में कि कभी ऐसा हो गया गलती से, ऐसा कुछ नहीं दिखाते, या फिर वो कभी कभी एक स्टोरी बनाते हैं कि यार ये बहुत दिक्कतें आई थी ऐसा सब, ये थोड़ा बहुत बताते हैं, बट मतलब वो बहुत ज्यादा ये नहीं करना चाहते कि नहीं मैं बहुत रो रहा हूँ, मैंने बहुत मेहनत से ये ब्लॉग बनाया, मतलब सारा क्रेडिट लेने के चक्कर में नहीं रहते, कभी नहीं रहते, ये बस अपना काम करते हैं, तुमको अच्छा लगे तुम अपना एंजॉय करो, नहीं अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और कमेंट करो। बाकी क्या बताएं, हमेशा की तरह व्लॉग और सार्कैज़म एकदम हाई था, वही वही क्वालिटी का तो सर्कल में जब खड़े होते तो और मजे लेने को मिलते हैं, कोई इनके ले रहा है, ये किसी की मजे ले रहा है, तो मतलब ये सब चीजें दोस्तों में आपस मजा आते हैं, वो लगता है कि आप एंजॉय कर रहे हो कर रहे हैं। तो चलिए मैं करेक्शन यहीं तक था, थैंक यू, पीस आउट।